आम जनशक्ति पार्टी के नागपुर उपजिलाध्यक्ष संजय अटकरी की ओर से मांग की जा रही है कि 12 अगस्त 2021 तक सफाई कार्य शुरू किया जाए, अन्यथा 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक स्वच्छता के लिए प्रत्येक गांव में लाखों करोड़ों रुपए बांटे जाते हैं और वह निधि नागरिकों की स्वच्छता के लिए है। हालांकि उस निधि का उपयोग स्वच्छता के दृष्टि से नागरिकों के हित में किया जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत स्वच्छ शहर के नारे के साथ सरकार हमारे शहर को साफ रखने की अपील कर रही है और शहर की सफाई पर काफी जोर दिया जा रहा है। नागरिकों के स्वास्थ्य का मुद्दा सामने आया है। एक तरफ जहां कोरोना का खौफ है, वही शहर में गंदगी का अंबार है। भविष्य में इसी गंदगी के कारण कोरोना फैल सकता है, वही डेंगू समेत कई तरह की बीमारियां भी फैल सकती है, जिसके चलते नागरिकों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रहार जनशक्ति पार्टी के नागपुर उपजिलाध्यक्ष संजय अटकरी की ओर से मांग की जा रही है कि 12 अगस्त 2021 तक सफाई कार्य शुरू किया जाए, अन्यथा 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। BCN न्यूज के लिए कुही से संजय अटकरी की रिपोर्ट।